पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। एक बार जोरदार तालियां। भाई वेलकम, वेलकम पूजा। हेलो सलमान भाई, पूजा आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू भाई। देख लो हमारी स्टूडियो की कैपेसिटी उतनी, पर जब आप आते हो पता नहीं एक के ऊपर कैसे बैठ जाते हैं लोग। क्योंकि इनको एक के ऊपर एक बैठना अच्छा लगता है। शुरू हो गया। मुंबई तो मुंबई, पुणे तक लोग बैठे हुए देखिए आप। भाई ईद के मौके पे आप फिल्म लेके आ रहे हैं किसी का भाई किसी की जान, आपके फैंस के लिए इससे बड़ा तोहफा हो नहीं सकता, क्यों गाइस? अच्छा ये सलमान भाई की पर्सनैलिटी ऐसी है, इन्हीं पे सूट करता है किसी का भाई किसी की जान। आए हमारा पांडे, अगर अगर इसको लेके फिल्म बनाओ आप कभी सोच नहीं सकते। जान है इसको भाई क्यों नहीं बनाएगा, जान बना लेंगे इसको। पांडे को देख के टाइटल आया कहीं पे कुलचे कहीं पे नान। अर्चना जी को देख के टाइटल याद आता है सब कुछ लूट लिया मड में मकान खरीदा है। वो तो चलो कागजों में तो सब खरीदते ही हैं। यहाँ से लूटा है। अच्छा जिनको लूटा है वो भी बाहर आ गए हैं क्या? सिद्धू जी आ गए हैं बाहर, लेकिन अभी यहाँ पे दो कुर्सियां लगेंगी। That's a good idea. नहीं दो तो उन्हीं को लगती थी, इनको एक और लगेगी, तीन लगेगी। ओह पर भाई क्या कमाल है, मतलब आपकी फिल्म का हम तो इंतजार कर ही रहे थे, लेकिन पठान में जब आपकी एंट्री हुई ना मजा आ गया देख के, क्या ही बात है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा पठान फिल्म में शाहरुख भाई देश के लिए लड़ रहे हैं और जब वो भी फंस जाते हैं तब एंट्री होती है सलमान भाई की। भाई देखो आप हमारे शो के प्रोड्यूसर है, आप ही का शो है तो आप तो घर के आदमी हो गए, आपकी इजाजत हो तो मेहमानों से बात कर लूं मैं। जरूर प्लीज। पूजा जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना, हाँ जी, एक संतरे वाली कुल्फी आती थी, मुझे कसम से आपको देख के उसकी याद आ गई आज। मैंने बहुत खाई है, अभी तक के मेरी आवाज गई है उसके वजह से। वो ऑरेंज स्टिक आया करता था और फिर एक मैंगो स्टिक आई करती थी, फिर एक कसाटा करके एक आइसक्रीम हुआ करता था, फिर एक चीकू कुल्फी हुआ करती थी, एक मैंगो कुल्फी हुआ करती थी। तो ये सब मैंने बहुत खाई है। और वो कैरी के ऊपर, मीठे कैरी के ऊपर, तोता परी आम के ऊपर वो थोड़ी मिर्ची नमक देके वो खिलाते थे, बिमली खिलाते थे, आंवला खिलाते थे, वो खट्टी इमली, और यहाँ पर एक इंग्लिश टैमरिन हुआ करता था सफ़ेद वाला, फिर लव एप्पल जिसको हम कहते हैं आई थिंक आइस एप्पल कहते हैं। ये तो आप ही ने ज़्यादा खाया भाई लव एप्पल। बांद्रा क्योंकि बांद्रा में रहे हैं तो, और उस वक्त एक ऐसा वक्त था जबकि घर पे इतना ज़्यादा खाना नहीं बन पाता था, तो हमने बांद्रा के हर फ्रूट खाए। अच्छा, शैतू तक के बांद्रा में लगा करता था, चिरौंजी, फालसा, तारगोला, नारियल, हर पेड़ बांद्रा का हमें पता था, हर पेड़ चढ़े हैं, हर माली ने मारा है हमको। वाह क्या बात है, बचपन की चीजें याद आ गई इतनी सारी। अच्छा पर आप मेरे आउटफिट को देखो आप, आपका जलवा कैसा, आप बड़ी प्यारी भी लग रही सलमान भाई के साथ, पता है? नहीं तो सारा साल सलमान भाई शेरा का मुंह दे देख के बोर हो जाते। कभी कभी इतनी आदत पड़ जाती है जब शेरा को नहीं देखते तो किसी और पे दाढ़ी लग जाती है। ये सब कॉमेडी में ही लो, ये कोई सीरियस नहीं है। दाढ़ी वाली औरत किसी को ना पसंद, जो कि आपने कोविड में लॉकडाउन में बहुत देखी होंगी। भाई आप एक तो खुद ही बोल जाते हो फिर बोलते हो सीरियसली मत लेना, और हमारे दिमाग में कोविड वाली फोटो घूम रही है। पता नहीं चलता था कोविड में कि टांग किसकी है, खुद की है या बीवी की है। ओहो इनका एक्सपीरियंस है ये। उस एक्सपीरियंस के अंदर दो बच्चे पैदा कर लिए। भाई देखो कोविड में आप तो थे फार्म पे खुली जगह घूमने की,
हम तो थे दो कमरे वाले फ्लैट में तो फिर बस मैं तो खेतों में भाई खेतों में। अच्छा मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि सलमान भाई को आज थोड़ा कफ कोल्ड है लेकिन उसके बावजूद भी भाई यहाँ पे आए हैं सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग भाई। बहुत बहुत। तो पूजा जब आपको पता चला कि आप सलमान भाई के ऑपोजिट फिल्म कर रही हैं एक सेकंड के लिए तो दिमाग में आया होगा कि ये मेरे भाई बनेंगे या मैं इनकी जान क्या सोचा था आपने जवाब दो। मैं कहना चाहती हूँ कि ये फिल्म में मैं जान हूँ जी हाँ और मैं भाई हूँ भाई वैसे भाई तो आपको हर कोई बोलता है जान बोलने का हक किसको दे रखा है आजकल वो किसी को हक नहीं देना जान बोलने का जान से स्टार्ट होता है और फिर जान ले लेते हैं। आई एम सो हैप्पी टू बी विथ यू मैं इतनी खुश नसीब हूँ थोड़ा सा वक्त निकल जाता है उसके बाद आई लव यू आता है जैसे आई लव यू आया जैसे पता चला कि ये फंसा उसके बाद आपकी जिंदगी बर्बाद। जान एक बड़ा ही इनकम्प्लीट वर्ड एक्चुअली पूरा सेंटेंस शायद ये होगा कि जान ले लूंगी तेरी उसके बाद किसी और को जान बनाऊंगी उसकी भी जान लूंगी ये तू जानता नहीं है ये तू तब जानेगा उसके बाद वो जानेगा। ओहो ये बातें आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई। इस फिल्म का ना गाना बड़ा आजकल खूब चल रहा है नाचेंगे हम तो उठा के लुंगी भाई पहली बार आपको देखा लुंगी में डांस करते हुए आपको डर नहीं था कि कहीं लुंगी खुल गई तो सारा प्रमोशन इधर ही हो जाएगा। हम तो हर शॉट के पहले लुंगी पहन लेते थे क्योंकि हमने शॉर्ट्स पहनी थी। अच्छा जी और जैसे सिद्धार्थ और राघव को पता चला कि लुंगी आई और लुंगी उठा के डांस करना है तो उन्होंने लेग्स मारना शुरू कर दिया। हाँ एक्चुअली मतलब टांगे दिखेंगे लुंगी में तो स्ट्रांग होनी चाहिए अच्छी बात है और सब बाल बाल निकाल के। मेरे को अर्चना जी ये बोल रही थी कहती कि पूजा ने इतना काम किया साउथ में भी और यहाँ पे भी इतना काम कर रही है तो जब आपका डोसा खाने का मन होता है उधर चली जाती है समोसा खाने का मन होता है इधर आ जाती है आप ये इस बात में सच्चाई है कोई। अरे यहाँ पर भी तो डोसा मिलता है यार। हाँ। समोसे वाला डोसा मिल जाता है। मैं भेज दी थी आपके घर पे डोसे इसी का यही एंगल था इसका कि कुछ फ्री में इसके घर आए ये मेरा एंगल था। हर यूनिट पर यही मिलता है डोसा ही मिलता है इडली मिलता है सांबर ये मिलता है हर यूनिट पर। डोसा बनाया था ना वो पंजाब चला जाए तो पंजाब वालों का अपना ही तड़का है बटर चिकन डोसा भी आता है वहाँ पे हाँ हर तरह का। हमें पिक्चर कर रहे थे ट्यूबलाइट उसमें हमारी हीरोइन थी जूजू चाइना से आई थी। अच्छा जी तो हमने सोचा कि यहाँ से बेस्ट रेस्टोरेंट से हर प्रकार का चाइनीज डिश लाएं। अच्छा हाँ। तो जैसी लैंड हुई सेट पर ऐसे कम जूजू हैव सम चाइनीज वो करीबन 20 डिश देखी उसने। अच्छा आई कुडंट रिकॉग्नाइज एनी ऑफ देम चाइनीज में एक डिश नहीं है। हाँ वो पहचान नहीं पाई होंगी ना एक डिश नहीं है पर जब उसने खाना शुरू किया तब उसको वही चाहिए था रोज चाइनीज। वाह हमारा तड़का जब लग गया इतना स्वाद है हमारे चाइनीज के अंदर। सो भाई और उनकी जान जो है यहाँ पे मौजूद है अब फिल्म में इनके तीन भाई और उनकी तीन जानों को यहाँ पे बुला लेते हैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू थैंक यू। नॉर्मली क्या हमारे छह लोगों के बैठने की जगह होती है अभी सलमान भाई को कौन मना करे इनके तो दोस्त 20 बाहर ही बैठे हुए हैं सोफा डाल के और एक तो सामने बैठे रहते हैं नदीम भाई तो आइए आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए प्लीज कृपया विराजमान हो जाइए। अच्छा मुझे सबको देख के खुशी तो हो ही रही है पर सबसे ज्यादा खुशी मुझे किसको देख के हुई ये छोटी सी लड़की पलक इनकी मम्मी जो है श्वेता तिवारी जी जिनको आप सब जानते हैं जब हम कॉमेडी सर्कस करते हैं तो इतनी सी थी ये तो अभी सडनली देखा मैंने इतनी लंबी हो गई। हाउ आर यू पलक हाउ इज योर मॉम गुड शी इज गुड सर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शहनाज कैसी हैं आप। मैं ठीक हूँ। बहुत प्यारी लग रही हैं आप। मैं हूँ ही प्यारी शुरू से ही बस बात खत्म। नहीं बहुत अच्छी बात है आप बोलती हुई अच्छी लगती है शांत मत बैठा करो गिल साहब आप। वो थोड़ा सा ना ड्रेस मैंने मॉडर्न डाली है तो मैं उस हिसाब से बैठी हूं। ऐसी ड्रेस पहनो तो चुप हो जाता बंदा। यस ऑफ कोर्स यू नो पटियाला शलवार कैज मंगा देते हैं आपके लिए। अच्छा शुरुआत अभी शहनाज से हो ही गई है तो आप सब जब शूटिंग कर रहे थे कितना परेशान करती थी आप सबको। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं बोलती थी परेशान तो नहीं करती थी। बोलती बहुत है वैसे जब मूड में आ जाए तो। हमने कभी इसे मूड में आने ही नहीं दिया। लड़की भयंकर है लेकिन ये भयंकर
भयंकर ही बोलेगा इनको. मतलब एक्टर अच्छी है, डांसर अच्छी है और अच्छा काम किया है फिल्म में, उस हिसाब से मतलब भयंकर. अच्छा, उस हिसाब से. अच्छा, राघव को आप सब तो सही है. राघव को आप सबने देखा है बहुत सारे टीवी शोज में भी, कमाल के डांसर हैं. कमाल का बोलते भी इतनी रौनक लगाते हैं अपने शो में. पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें.